नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू होममेड नुस्खा बताऊंगा जिसकी मदद से आप भी अपने चेहरे को काफ़ी गोरा चमकदार बना सकते हैं। यह नुस्खा काफ़ी असरदार नुस्खा है और साथ ही साथ इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें हमने जो भी चीज़ें ली हैं एकदम प्राकृतिक चीज़ें हैं, आपके घर में ही आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको कच्चा दूध लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कच्चा दूध ले रखा है। कच्चा दूध हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे चेहरे की गंदगी को बाहर निकालता है, हमारे चेहरे को गोरा और चमकदार बनाता है। तो आपको यहाँ पर कच्चे दूध में 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर मिलाना है। हल्दी पाउडर भी हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे हमारे चेहरे के हर तरह की परेशानी से हमें निजात मिलता है। हल्दी मिलाने के बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पर लेना है 1 चम्मच बेसन का, जो कि हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। 1 चम्मच बेसन लेकर फिर आपको यहाँ पर 1/2 चम्मच इसमें एलोवेरा जेल लेना है। आधा चम्मच एलोवेरा जेल आपको इसमें इस तरीके से मिला देना है और इस पेस्ट को अच्छे से चलाना है, जिससे कि आपका पेस्ट अच्छे से मिलके तैयार हो जाए। दोस्तों, ये आपका पेस्ट बनने के बाद में ऐसा दिखने लगेगा। फिर आपको इसे किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या होगा, आपको अपने चेहरे को किसी अच्छे साबुन से धोकर साफ कर लेना है, जिससे कि आपके चेहरे पर जितनी भी धूल मिट्टी है और तेल है वो सारा हट जाए। फिर आपको एक कॉटन लेना है और कॉटन की मदद से इस तरीके से इसे डिप करना है और फिर इसे अपने चेहरे पर पतली परत लगानी है। इस तरीके से दोस्तों, आपको इसे ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है, इसे आपको अपने चेहरे पर बिल्कुल पतला पतला लगाना है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं इसी तरीके से बिल्कुल आपको इसे लगा लेना है। फिर दोस्तों, आपको इसे 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे सूखने के लिए छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट बाद जब ये सूख जाएगा, तब आपको इसे उंगलियों से इस तरीके से रफ करते हुए छुड़ा देना है और फिर इसके बाद आपको सादा पानी से अपने चेहरे को धोकर साफ कर लेना है। इसके बाद में आप कोई भी क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आपको यहाँ पर साबुन और फेस वॉश का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है। हल्दी के ऊपर 1-2 दिन तक हमें साबुन और फेस वॉश का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप भी यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा कुछ ऐसा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।